गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ संजना और आप देख रहे हैं टिप्स एंड स्टाइल बाय संजना। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत ये ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ। हाँ, ये एक समर डे मेकअप लुक है। आप समर टाइम में, आप डे टाइम में कोई मेकअप आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस लुक को जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये लुक ड्रामेटिक एंड ये लुक बहुत ही खूबसूरत के साथ साथ ये आपको जो मेकअप ये बहुत ही देर तक आपको फेस पे टिके रहेगा और साथ ही साथ आपको जो सन से प्रोटेक्ट भी करेगा, जो समर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इस लुक को आप जरूर ट्राई करना। और इस लुक को मैं कैसे करके या कौन कौन से स्टेप फॉलो करके या कौन कौन से प्रोडक्ट फॉलो करके क्रिएट किया हो ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइज। और हाँ गाइज, इस लुक को जो मैं क्रिएट किया हूँ, आप चाहो तो मैं इस टाइम एक रेड कलर या डार्क लिपस्टिक पहन के मैं ये लुक को क्रिएट किया हूँ। आप चाहो तो इस लुक को आप डार्क लिपस्टिक या रेड लिपस्टिक के अलावा भी आप एक न्यूट कलर के साथ भी कैरी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी कलर लिपस्टिक का पहनना पसंद करती हैं। एक्चुअली गाइज, मुझे भी न्यूट कलर लिपस्टिक लगाना ही पसंद है, बट इस लुक के लिए मैं ये रेड कलर लिपस्टिक को ही मैं पसंद किया अप्लाई करने के। मुझे मन किया ये लिपस्टिक लगाने, तो मैं ये लिपस्टिक ही मैं लगा लिया हूँ। और साथ ही साथ गाइज, आप देख ही सकते हो इस लिपस्टिक को अप्लाई करने के बाद मेरा जो मेकअप है वो एकदम बहुत ही खूबसूरत एंड ड्रामेटिक लगने लगा। सो गाइस, मैं और बात नहीं करूंगी, अब डायरेक्टली मैं वीडियो में जाऊंगी। और वीडियो पे जाने के पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं गाइस, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये एकदम फ्री है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेड बटन है, आप उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर देना। और उसके पास में छोटा सा एक बेल बटन भी है, आप उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सके। सो गाइज, और ज्यादा बातें नहीं करूंगी, आप डायरेक्टली वीडियो पे जाती हूँ। लेट गेट स्टार्ट। सो फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं आज ये पॉन्स का सुपर लाइट मॉइस्चराइजर जेल यूज कर रही हूँ। ये एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है और समर में आपको हमेशा एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ही अप्लाई करना जरूरी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शेयर ब्राइट टच अनलॉक सनस्क्रीन को यूज कर रही हूँ और ये 50+ SPF के साथ आता है ताकि ये हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करे। और ये ऑयली स्किन के लिए और गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये लगाने से मेरा फेस जो है वो एकदम भी ऑयली नहीं लगेगा, एकदम ड्राई फील होगा। सो नेक्स्ट गाइज, मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ और प्राइमर के लिए आज मैं ये NYBA का ये ब्लाडिन प्राइमर को यूज कर रही हूँ। और ये एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर है और ये क्लेम करती है कि ये मेरी जो पोर्स है उसको मिनिमाइज करती है और साथ ही साथ मेकअप को बहुत देर तक टिके रहने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट मैं फाउंडेशन के लिए आज ये मेवलिन का फिटमी फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। आज मैं दोनों शेड को मिक्स करके यूज करूंगी, एक है 230 और दूसरा है 310। तो मैं ये दोनों शेड को मिक्स करके आपस में आज मैं यूज करूंगी। तो करीबन ये मेरे स्किन टोन में आ चुका है और ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है। समर टाइम में ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये एक मैटिफाइंग फाउंडेशन है और समर में हमारा जो स्किन है वो बहुत ही जल्दी ऑयली हो जाता है और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारे फेस जो है उसके एकदम मैटनेस एक प्रोवाइड करता है, बहुत देर तक ये फेस को मैट भी रखता है, तो इसलिए मैं इसको बहुत ही पसंद करती हूँ और समर में ये एकदम परफेक्ट भी है। सो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और फेस के साथ साथ गाइज, नेक पर भी अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फेस के कलर और नेक के कलर एकदम भी मैच नहीं होगा। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और मेरा शेड इज 04। सो ये जो कंसीलर है ये बहुत ही अच्छा एक कंसीलर है। ये क्लेम तो नहीं करता है कि ये वाटरप्रूफ है, बट ये वाटरप्रूफ है गाइज। सो मेरी जो यूजुअल पॉइंट है मैं वहाँ पे मैं कंसीलर को अप्लाई कर दिया हूँ, जैसे कि आईलिड पे, अंडर आइज पे, फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे एंड चिन पे, जिधर जिधर अप्लाई करना है मैं अप्लाई कर लिया हूँ। सो उसके बाद में सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया हूँ। और इसका जो कवरेज है गाइज, आप देख ही सकते हो, जस्ट वाओ गाइज, इसका बहुत ही एकदम हाई कवरेज प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट मैं मेरी फेस को सेट करने के लिए आज ये लैक्मी का रोज पाउडर को यूज करूंगी, क्योंकि ये पाउडर भी SPF के साथ आता है जो हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है। और हाँ गाइस, गर्मी में या समर टाइम में आप कभी भी फेस को सेट करना मत स्किप करना, ये बहुत ही जरूरी है। आप एक पाउडर के साथ, आप कोई भी पाउडर या कॉम्पैक्ट के साथ आपका जो फेस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेट करना, ये बहुत ही जरूरी है।
सो नेक्स्ट मैं मेरी आईब्रो में चली जाऊंगी डायरेक्टली, और उसके लिए आज ये स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट पैलेट को यूज करूंगी, और मेरा शेड है 06। तो इस पैलेट में से ये डार्क ब्राउन कलर शेड लेके मैं मेरी आईब्रो को ड्रॉ कर लूंगी। सो ये जो आई शेडो पैलेट है मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है गाइज, और ये जो कलर है ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर है, इससे बहुत ही अच्छे से मेरा जो आईब्रो है वो भी फिल हो जाता है। तो मैं मेरी पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लिया हूँ, एंड उसके बाद गाइज मैं मेरी आईब्रो को फिल कर दिया हूँ, एंड उसके बाद गाइज आप देख ही सकते हो मैं बहुत ही अच्छे से मैं मेरी आईब्रो को फिल कर दिया हूँ, और ऑफ कैमरा में मैं मेरी दूसरी आईब्रो को भी ड्रॉ कर लिया हूँ। सो मेरी आई मेकअप के लिए आज ये सेम पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ, और इस पैलेट में से ये दोनों कलर को मैं मिक्स करके मैं फुल आईलिड पे अप्लाई कर दी हूँ। काइंड ऑफ ये एक पीची कलर है, काइंड ऑफ पीच कलर ही है आप बोल सकते हो। तो इस पीच कलर को लेके मैं मेरी फुल आईलिड पे अप्लाई कर दिया हूँ एक फ्लैपी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, एंड उसके बाद वही सेम डार्क ब्राउन कलर लेके मैं मेरी जैसे एक विंग लाइनर ड्रॉ करता है सेम वैसे ही मैं एक विंग लाइनर की तरह मैं ये ब्राउन कलर को अप्लाई कर दूंगी मेरी अपर आईलैश एंड लोअर आईलैश पे। सो ये ट्रिक बहुत ही अच्छा एक है, और इससे एक स्मोकी नेज आपको आ जाएगा, जिससे क्या होगा आप देख ही सकते हो गाइज मैं काइंड ऑफ एक स्मोकी आईलाइनर आज ड्रॉ करने वाला हूँ। सो इसलिए मैं फर्स्ट एक ब्राउन कलर आई शेडो की मदद से जैसे कि मेरा आईलाइनर ड्रॉ करता है वैसे ही मैं क्रिएट किया हूँ, एंड उसके बाद ये मेवलिन का काजल आज यूज़ करूँगी। आज कोई भी मैं लाइनर नहीं यूज़ किया हूँ, आज ये काजल यूज़ किया हूँ क्योंकि ये काजल वाटरप्रूफ है और समर में बहुत ही स्वेटिंग का प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए मैं काजल ही यूज़ किया हूँ ताकि ये कोई भी स्वेटिंग की वजह से कोई तकलीफ ना हो। तो काजल को भी मैं मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरा जो आउटर वीव है मैं वहाँ पर ही फोकस करके अप्लाई किया हूँ, हाफ मेरा जो आई है हाफ पोर्शन में अप्लाई किया हूँ गाइस। आप देख सकते हो मैं इनर कॉर्नर की तरफ मैं नहीं अप्लाई किया हूँ, सिर्फ मेरा आउटर कॉर्नर की तरफ ही मैं यूज़ किया हूँ इस काजल को। सो उसके बाद काजल को अप्लाई करने के बाद एक स्मजिंग ब्रश की मदद से थोड़ा स्मज भी कर दिया हूँ गाइस काजल को, एंड उसके बाद ये ब्लू हेवन का लॉन्ग लैस या वर्क फ्री मस्कारा को मैं यूज़ कर रही हूँ आज, और आज मैं कोई भी फॉल्स लैश में नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि ये एक नेचुरल मेकअप होने वाला है, और ये एक डे टाइम वेस्ट में आप इसको मैं मेकअप कर रही हूँ, तो डे टाइम में कोई भी मैं लैश लगाना मैं उतना पसंद नहीं करती हूँ फॉल्स लैश, तो इसलिए मैं ये मस्कारा की मदद से बहुत ही अच्छे से मेरी जो आई लैश है उसको कोटिंग कर लिया हूँ, आप देख ही सकते हो गाइज। तो फिलहाल मेरा जो आई मेकअप है वो एकदम डन है, अब मैं डायरेक्टली फेस मेकअप में चली जाऊँगी, और उसके लिए भी मैं आज सेम पैलेट को ही यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का। तो सेम पैलेट में से ये जो लाइट ब्राउन कलर शेड है, काइंड ऑफ कंटूर शेड है आप बोल सकते हो, तो मैं इस शेड को लेके मैं आज मेरा फेस को कंटूरिंग कर लूँगी, और आज मैं बहुत ही हर्श कंटूरिंग नहीं करूँगी, बहुत ही लाइट वेट एक कंटूरिंग करूँगी फेस को जस्ट एक स्ट्रक्चर देने के लिए। सो मैं बहुत ही लाइट एक कंटूरिंग कर लिया हूँ, और फेस के साथ साथ गाइज मैं मेरी नोज को भी कंट्रोलिंग कर लूँगी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप कभी भी स्किप मत करना गाइज, आपको नोज को हमेशा कंट्रोलिंग करना है। सो मेरा जो फेस है वो कंट्रोलिंग कर लिया हूँ मैं, एंड उसके बाद गाइज सेम पैलेट में से ये पीच कलर को मैं लेके एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी, और ये बहुत ही खूबसूरत एक शेड है गाइज, आप देख ही सकते हो बहुत ही लाइट वेट एकदम पीच कलर है काइंड ऑफ। सो मैं इस कलर को ही एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, मेरा एप्पल ऑफ द चीक्स में मैं अप्लाई कर दिया हूँ, एंड उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ब्रीक हाइलाइटर को यूज़ करूँगी आज, और मेरा शेड है 01। सो ये जो हाइलाइटर है इसको मैं मेरी यूजुअल पॉइंट पे जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड बो पे, चिक पे, जैसे कि जिधर जिधर हाइलाइटर अप्लाई करना ज़रूरी है मैं वहाँ वहाँ अप्लाई कर लूँगी, एंड इसके बाद गाइस आप देख ही सकते हो मेरा जो फेस है वो कितना ग्लो करने लगे ही। सो मैं मेरी फेस के साथ साथ मैं मेरी इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को भी हाइलाइटिंग कर लूंगी। सो लिपस्टिक के लिए आज मैं ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स के ये नॉन ट्रांसफर लिप कलर को यूज कर रही हूँ, और मेरा शेड है 02। और एक लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ, और ये हुडा ब्यूटी का ड्यूप है गाइज, एक ऑरेंज कलर शेड है। तो आज मैं ये दोनों कलर को मिक्स करके यूज कर रही हूँ एक लिप ब्रश की मदद से, आप देख ही सकते हो गाइज, और ये बहुत ही खूबसूरत एक शेड है। सो मैं इस लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया हूँ,
एंड उसके बाद गाइज मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का और एक लिपस्टिक को यूज कर रही हूँ। 01 है शेड मेरा जॉयफुल और ये एक न्यूड कलर शेड है। और इस लिपस्टिक को मैं मेरी लिप्स की एकदम बीचों बीच अप्लाई कर दूंगी। और उसके बाद गाइज आप देख ही सकते हो काइंड ऑफ इस तरह से मेरा जो लिपस्टिक का शेड है वो आ रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत भी है। एंड लास्ट में ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर को आज यूज कर रही हूँ मेरा फेस को सेट करने के लिए। तो इसको मैं मेरी फेस पे स्प्रे कर दिया हूँ एंड उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से थोड़ी डैब डैब कर दूंगी ताकि ये मेरा फेस पे स्प्रे हो जाए। एंड उसके बाद गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। सो गाइज आई होप यू कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। आप लोगों का सुंदर सुंदर कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि इस लुक को आपको कैसे लगा है और आप ट्राई भी जरूर करना, आपको अच्छे लगेगा इस लुक को गाइज। सो गाइज आज के लिए इतने तक ही। नया वीडियो लेके मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी। और हाँ, इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैं जो भी प्रोडक्ट आज यूज किया हूँ सारी प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। सो गाइज आज के लिए इतने तक ही। नया वीडियो लेके मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइज।